ये आपने जो पूछा है जाट समाज का, उसका उत्तर मैं ये दे रहा हूं कि ओबीसी का पूरा आरक्षण खाइए। इधर से अनुमान कर रहा है जाटों का नेता मैं, उधर से हरीश चौधरी कह रहा है जाटों का नेता मैं। यहां मंत्री थे, मंत्री पद से हटा दिया गया, अब उनको कोई पूछ नहीं रहा तो वो चाहते हैं समाज का नाम लेके समाज का नेता बन दो। यादव छिंपा 75 के करीब ओबीसी जातियां हैं, 74 जातियां कहीं हटती नहीं इनके, ये एक ही हैं जो पूरा आरक्षण खा जाते हैं। जब से इनको ओबीसी के अंदर जाट समाज को लिया है, कोई भी आपने देखा क्या कुम्हार सरपंच, छिंपा सरपंच, लोहार सरपंच, खाती नाई, ये कहीं भी देखेगा आपने? ये पूरे का पूरा कोटा ही ये खा गए, तो अब इनको कहां जरूरत रहेगी? अब इनको मैं तो इनको आज खाली हमने आर्मी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वरना अभी फिर कभी आपके सामने आएंगे और बताएंगे। मैं तो कहता हूं इसका वर्गीकरण कर देना चाहिए, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर कर रखा है, कपूरी आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, अपने आप फैसला हो जाएगा, जो जो जितनी जाति है उसको उतना परसेंट मिल जाएगा। या फिर पूरी व्यवस्था को इस देश के अंदर आर्थिक आधार पर कर दो ना, जातियों में बांट करके हमें क्यों लड़ाया जा रहा है? जो आरक्षण से वंचित हम लोग हैं उनके लिए खाली 5% बचेगा, उसके अंदर भी सब सारी जातियां लड़ेगी, 5% जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा उनके लिए 5% बचेगा, और उसमें भी सारे आरक्षण जिनको मिला हुआ वो भी उस 5% में फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो फिर हम कहां जाएं, ये देश छोड़ दें? इस देश की प्रतिमाएं पहले लाखों बार जाकर के काम कर रही है इस आरक्षण व्यवस्था के कारण। तो ये आपने जो पूछा है जाट समाज का, उसका उत्तर मैं ये दे रहा हूं कि ओबीसी का पूरा आरक्षण खाइए। 74 जातियां तो बैठी हैं अलग हाथ पर हाथ धरके, अगर उनको गुजर भी इनके शामिल रहते तो उनको भी आज ना कोई उनका प्रधान बनता, ना कोई सरपंच बनता, ना कोई ब्लॉक मेंबर बनता, राजनीति में किसी को आज्ञा नहीं देते, ये पूरा कोटा यही खाते। वो 5% गुजर समाज को मिला है तो 5% गुजर समाज को तो भला हो रहा है, अगर उन गुजर समाज को भी ओबीसी में ठोक देते तो ये उनको भिड़ने ही नहीं देते, तो ये पूरा कोटा यही खा रहे हैं, तो कमी कहां रहेगी इनके पास? ये कमी नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। हरीश चौधरी जी को परमारी कांग्रेस ने पंजाब का बनाया, पंजाब को जीरो करके आ गए, यहां मंत्री थे, मंत्री पद से हटा दिया गया, अब उनको कोई पूछ नहीं रहा तो वो चाहते हैं समाज का नाम लेके समाज का नेता बन लो। इधर हनुमान बेनीवाल कहता है मैं समाज का नेता, उधर वो कहता है मैं समाज का नेता, और कंधे पे धरके चला रहे अनारक्षित लोगों के, सवर्ण मान लो उसमें ज्यादा अनारक्षित है, सवर्णों को जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस के अंदर वही सवर्ण है जो गरीबी रेखा से नीचे है, बाकी सवर्णों का तो मर है, उनके कंधे पर धर के ये फाइल कर रहे हैं। इधर से अनुमान कर रहा है जाटों का नेता मैं, उधर से हरीश चौधरी कह रहा है जाटों का नेता मैं। अरे आप बनिए, हम नहीं कह रहे आप बनिए, दोनों बनिए और ज्यादा बनिए, पर हमारे कंधे पर धर के मत चलाओ, हमारे साथ छेड़छाड़ मत करो, कम से कम इस देश की आर्मी को तो बख्श दो, इस देश की मिलिट्री को तो बख्श दो, उस पर तो राजनीति मत करो। इसको लेकर के आज हम आप लोगों के बीच आए।